हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको आप 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिंपल घेरा के 2 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। देखिए, चोली बनाने के बाद हमने यहाँ पर हर एक राउंड में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में 1 में 1 बार और 1 में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने सेकंड रो को कंप्लीट किया है। और थर्ड रो में मैं यहाँ पर अपना वाइट कलर अटैच करूँगी। इस तरह से देखिए, ऐसे निकालेंगे और वाइट कलर हमारा ये ऐड हो गया। देखिए, यहाँ पर इस तरह से ऐड करने के बाद एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया। और जो ये धागे हैं इनको हम इस तरह से साथ में अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, हाइड होते जाएंगे ये धागे। इस तरह से फिर से नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रो बनकर कंप्लीट हो गया है। और फिर से हम 1 2 3 3 चैन हमारी 1 डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। और सेम प्लेस पर फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक जगह पर हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और नेक्स्ट में गए 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब 1 2 3 3 चैन ली और फिर से इस तरह से लूप लेंगे। और यहाँ से हम देखिए 1 2 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और फिर से सेम प्लेस पर एक बार और बनाएंगे। पहले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन ली और देखिए नीचे से हम 1 2 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन के अंदर जाएंगे। फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इसके अंदर और उससे नेक्स्ट में 1 बार। इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चैन और नीचे से 2 स्किप। चलो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। और लास्ट में हम आ गए हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बीच में बचा है, तो हम इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। आपके पास कम ज़्यादा हो तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, थर्ड चैन के अंदर जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 1 स्लिप स्टिच हम आगे करेंगे नेक्स्ट में। और स्लिप स्टिच करते हुए जहाँ पर हमने ये 3 चैन बनाई है वहाँ पर आएंगे। 1 स्लिप स्टिच हमने यहाँ पर इसके अंदर किया है। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फिर से बनाया, 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 2 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर हम 3 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार बनाया, 2 बार और फिर से लिया, 3 बार। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट हम चैन स्पेस के अंदर जाएंगे, इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार बनाया, फिर से बनाएंगे 3। फिर 1 2 2 चैन लेंगे और यहीं पर 3 टाइम और डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार बनाया, देखिए फ्रेंड्स, 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में गए 3 चैन 3 डबल क्रोशिया और 2 चैन 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। अब देखिए, इसको हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। 1 स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट में करेंगे जाकर। और जो सेंटर में हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई है, 1 स्लिप स्टिच हम इसके अंदर करेंगे। अब देखिए,
यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब यहाँ पर देखिए दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और यहाँ से देखिए अगले दो लूप उठाएंगे और फिर से हम इधर वाली साइड भी डबल क्रोशिया बनाएंगे थ्री टाइम, दो तीन। देखिए इस तरह से थ्री, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर चार डबल क्रोशिया, फिर पर्ल स्टिच, फिर चार डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा ये हमारा लूप। और जो यहाँ पर नेक्स्ट में जाने के लिए है वहाँ पर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे, इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, दो तीन और एक बार और बनाया, चार, चार डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और आगे से देखिए ये दो लूप उठाएंगे, अगले दो लूप उठाए और यहाँ पर इस तरह से पर्ल बना देंगे। फिर से इधर वाली साइड भी चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, दो, थ्री और ये फोर, फोर बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा और इसी तरह से हम इस रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब देखिए जहाँ से हमने थर्ड चैन में जाएंगे स्टार्ट किया था और इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और देखने में इसका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। इसी तरह से आप अपने कान्हाजी के लिए ये सुंदर सी पोशाक किसी भी साइज के कान्हाजी के लिए बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।